तो गाइस क्या आपको भी पीसी प्लेयर बनना है? हाँ। क्या आपको भी पीसी प्लेयर की तरह इमोट दिखाने हैं? हाँ। क्या आपको पीसी प्लेयर की तरह इमोट दिखा के अपने दोस्तों को चलाना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक है। समय पहले आपको अपने करेक्टर पर क्लिक करके इमोट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इमोट का स्क्रीनशॉट लेके आपको गेम हटा देनी है, और गेम हटाने के बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है की मेकर, और फिर की मेकर सर्च करने के बाद आपको की मेकर डाउनलोड कर लेना है और उसको ओपन करना है। और नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते बटन मिलेगा, और फिर ओके कर देना है। और फिर आपको ऊपर फिक्स पे क्लिक करके, और फिर आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे आपको डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यूज की मेकर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर देना है। डरने की कोई बात नहीं, ये प्ले स्टोर का ऐप है, ट्रस्टेड ऐप है। फिर आपको अलाउ करके बैक कर देना है। फिर आपको ऊपर फिक्स का बटन दिख रहा होगा, फिक्स के बटन पर क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपको की मेकर को ढूंढना है। की मेकर को ढूंढने के बाद आपको क्लिक करना है। की मेकर पर क्लिक करने के बाद अलाउ डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक करना है। ओके करना है और बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करके फिर आपको रिकॉर्ड ट्रिगर पर क्लिक कर देना है। और फिर आपको वॉइस अप बेल बटन पर बैक क्लिक कर देना है। और ऊपर आपको एक्शन का बटन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देना है और ऐड एक्शन पे दबा देना है। ऐड एक्शन पे दबाने के बाद टैप स्क्रीन पे दबाना है। टैप स्क्रीन पे दबाने के बाद आपको सेलेक्ट स्क्रीनशॉट पे दबाना है। और फिर आपको वही इमोट का स्क्रीनशॉट डाल देना है। इस इमोट के स्क्रीनशॉट डालने के बाद आपको जोन से इमोट लगाना है, उस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उस पर एक लाइन आ जाएगी, फिर यस का बटन दबा के ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर ऊपर एक फोल्डर बन जाएगा, उसके बगल में पेंसिल का निशान होगा, उस पर क्लिक करना है। रिपीट पर क्लिक कर देना है। ऊपर दो डिफॉल्ट के ऑप्शन होंगे, तो उस पर क्लिक करना है। एक को 20 कर देना है, और दूसरे को क्लिक करके दूसरे को भी 20 कर देना है। तो ये आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेव का बटन मिलेगा, तो सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। एंड गेम के अंदर जाना है। गेम के अंदर जाने के बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड सेलेक्ट करना है। ट्रेनिंग ग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट कर देना है। फिर आपको कस्टम एचडी में जाना है, और फिर आपको जहाँ पर वो इमोट था जो आपने सेलेक्ट किया था, वहीं पर ही आपको इमोट का बटन लगा देना है एंड सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फिर वॉइस अप वाले बटन पर दबाना है। वॉइस अप वाले बटन पर दबाए रहना है। तो देखो मैं जी, मुझे पता है बहुत बंदों को इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में लूंगा। अगली वीडियो उसी के टॉपिक के ऊपर होगी, तो सब्सक्राइब करे रहना। बाय।